यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। कानून के मुताबिक हर अपराधी को सजा मिलेगी, ये भरोसा दिलाते हुए ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। सुनिए, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। तो देखिए, कानून के मुताबिक हर अपराधी को सजा मिलेगी और उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आया है, सधा हुआ बयान इसे माना जा सकता है। अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है और उसी को लेकर जब पत्रकार ने सवाल किया तो उसके जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह कहा है कि कानून के हिसाब से जो होना है वो किया जा रहा है और हर अपराधी को सजा दिलाई जा सके इसके लिए तमाम कोशिशें यूपी की पुलिस कर रही है। तो एक बार फिर यूपी लाया जाएगा माफिया अतीक अहमद को। सचिन पाटिल हमारे संवाददाता इस वक्त साबरमती जेल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबरमती जेल से जुड़ चुके हैं। सचिन, जरा बताइए इस वक्त साबरमती जेल के अंदर क्या हलचल आपको नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यह खबर सामने आ रही थी कि जो अंतिम प्रक्रिया है वो अंजाम दी जा रही है, यानी कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए समीर, ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है क्योंकि बहुत सारी बारीकियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है उसको वेरिफिकेशन करना होता है। साथ ही साथ ये जो टीम यहाँ पर पहुँची है वो सारी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करनी होती है, किस तरीके से ले जाया जाएगा, किस रूट से ले जाया जाएगा, सारी बातें जो है वो यहाँ पर जो उसकी एंट्री करनी होती है, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद ही, क्योंकि सेंट्रल जेल से अगर किसी कैदी को ले जाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जिसका जो उल्लेख है वो उल्लेख उस प्रोसेस में होना होता है। और यही आप देखेंगे तो फिर से यही वैन है, जो वैन पिछली बार भी यहाँ पर आई थी, जो प्रिजनर वैन है और उसके अंदर जो हथियारबंद जवान है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ड्राइवर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी यहाँ पर लेके आया गया है। और DCP जो पिछली बार यहाँ पर आए थे जब उसको कोर्ट में पेश किया गया था, वही टीम यहाँ पर पहुँची है। और वो जो टीम है उस टीम की यहाँ पर हम लोग कहें सिक्योरिटी में, यहाँ से अतीक अहमद को यूपी ले जाया जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ और वक्त लग सकता है, हालांकि ये कहना मुश्किल है कि एक घंटा या दो घंटे, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होना है और उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही अतीक अहमद की जो कस्टडी है वो कस्टडी यूपी पुलिस को सौंपी जाएगी।